Good afternoon, students. Now we start lesson 11, measurement of length. इस चैप्टर को बेटा हमने माइंड मैप और पीपीटी के थ्रू समझाया. Now today we'll start activity 1. But before we start our activity, let's revise what I explained in PPT and mind map. What is measurement? What do you mean by measurement? The measurement is the process of measuring something. किसी भी चीज को हम नापना के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज, दैट इज द मेजरमेंट. इन ओल्डन डेज में हम किससे मेजर करते थे? दैट इज द हैंड स्पैन. ये आपका क्या है बच्चों? हैंड स्पैन है. अब जैसे आपने कोई डस्टर को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? ये इस तरीके से तो हम बताएंगे. जैसे ये हमारा वन हैंड स्पैन नहीं हो पाया कंप्लीट, तो ये इस तरीके से जो भी चीज को मेजर करना है तो इससे मेजर करते थे, तो उसको बोलते थे हैंड स्पैन, है ना. नेक्स्ट इज द फिंगर लेंथ. जैसे सपोज हम इससे मेजर कर रहे हैं तो ये होगी फिंगर लेंथ. ओल्डन डेज में हम इन्हीं चीज से मेजर करके कोई भी चीज को देखते. नाउ दिस इज द क्यूबिट. ये हमारा क्यूबिट कहलाता है. देन पेस. अब पेस आपको मैं यहां दिखाऊंगी तो दिखेगा नहीं बच्चों, इसलिए आपको ये फिगर में देखिए. दिस इज द पेस. ये आपके इस तरीके से है, ये डिस्टेंस, दैट इज द पेस. देन फुट. फुट से भी हम मेजर करते थे. जैसे अभी हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है इनकी या इस, तो हम क्या करेंगे? अपने फुट से मेजर करेंगे. तो ये फुट बाय फुट. नेक्स्ट आपका है डिजिट. डिजिट के लिए हम ये, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये है हमारी डिजिट. इससे हम रखकर मेजर करें, दैट इज द डिजिट. तो हम ओल्डन डेज में, एंशियंट डेज में जो थे, हम इन्हीं चीजों से मेजर करके सामान देते थे, क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं थी. बट नाउ डेज वी कैन नॉट यूज दैट मेजरमेंट. हम उन मेजरमेंट को यूज नहीं कर सकते. अभी हमारे पास में एक फिक्स्ड मेजरमेंट है एंड दैट इज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यू कैन सी अ स्टैंडर्ड यूनिट. एक स्टैंडर्ड है एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ की एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है. आपने देखा बच्चों, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये डस्टर है, इसको मेजर करना है, या चौक है, इनको मेजर करना है, तो हम रूलर्स के हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं. ऐसा हमने आपको बताया, माइंड मैप को बताया, तो रूलर की हेल्प से हम इनको मेजर कर सकते हैं. पर लॉन्ग थिंग्स है, जैसे क्लोथ है, सपोज 2 मीटर क्लोथ हमको मेजर करना है, तो वो एक मेट्रिक स्केल होती है, उससे ही हम मेजर करते हैं. क्योंकि इतना स्केल के अंदर तो इतने मेजरमेंट नहीं होते, तो मेट्रिक स्केल में होते हैं, तो हम मेट्रिक स्केल से मेजरमेंट करके उतना मीटर क्लोथ उसको दे देते हैं. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? इन क्लास थर्ड थ्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सॉरी लेंथ नहीं, मेजरमेंट. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमारी क्या है? थ्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन क्लास फोर के अंदर होंगी मीटर, सेकेंड वन इज सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज किलोमीटर. क्लियर? दिस थ्री यूनिट. मीटर दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मैंने अभी भी बताया था आपको कि मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की. सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है. किलोमीटर हम जहां भी डिस्टेंस की बात करें, जैसे वन सिटी एक डिस्टेंस अनादर सिटी, इसको मेजर करना है तो हम किससे मेजर करते हैं? दैट इज किलोमीटर. जो डिस्टेंस जिसे क्या डिस्टेंस किससे मेजर करती है? दैट इज यूनिट, दैट इज द किलोमीटर. वहां पे हम किलोमीटर वाली यूनिट यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 1, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, इज फिल इन द ब्लैंक्स. द वन इज
ए पार्ट इज दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज. अब इसमें फर्स्ट हमारा ये है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अभी आपको बच्चों हमने बताया द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, दैट इज मीटर. यस मीटर. क्लियर. और इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में बच्चों एक चीज और है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इनका क्या रिलेशन है. दैट इज आप देखेंगे दैट इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर. एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, दैट इज 100. एंड इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर. और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स. तो दीज आर द रिलेशंस. नाउ द सेकेंड वन, अगेन वी कम टू अवर एक्टिविटी, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक. नाउ द लेंथ ऑफ ए क्लासरूम, लेंथ ऑफ ए क्लासरूम इज मेजर्ड इन. अब आपसे पूछा है कि लेंथ क्लासरूम की लेंथ हम इसमें मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ ए क्लासरूम इज मेजर्ड. अब बताइए आप किसमें मेजर करेंगे, इज मेजर्ड इन डैश. अब हम कौन सी यूनिट से मेजर करेंगे लेंथ ऑफ ए क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी तो किसमें मेजर होगी, दैट इज मीटर. तो लेंथ ऑफ ए क्लासरूम इज मेजर्ड इन मीटर. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ए टेबल. अब आपको बच्चों बताया कि लेंथ ऑफ ए टेबल, टेबल की लेंथ छोटी होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो किसमें मेजर होगी लेंथ ऑफ ए टेबल. यस टेल मी, दैट इज सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ए टेबल इज मेजर सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ ए कॉम, नंबर फोर इज लेंथ ऑफ अ कॉम. अब लेंथ ऑफ ए कॉम किसमें मेजर होएगा बच्चों, इज मेजर इन डैश. ये भी छोटा ही होता है लेंथ ऑफ ए कॉम, किसमें मेजर करेंगे हम, दैट इज इन सेंटीमीटर. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इज सीएम. आप लीजिए सर, हमने आपको बताया सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सीएम. ऐसे ही मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम. एंड किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म केएम. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, दैट इज नंबर 5. अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ रही है और हमने आपको अभी भी समझाया कि जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसको किसमें मेजर करते हैं, यस दैट इज किलोमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज मेजर इन किलो मीटर. जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको किसमें मेजर करते हैं, दैट इज इन किलोमीटर. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन. द सिक्स्थ इज हाइट ऑफ ए टावर, टावर की हाइट इज मेजर्ड इन, द हाइट ऑफ ए टावर इज मेजर्ड इन विच यूनिट, मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर. यस दैट इज इन मीटर. वेरी नंबर 7. इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स, इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. ये आपको बताया था ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज 1000. तो इन 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो ऑल ऑफ यू डू दिस वर्क एक्टिविटी 1 इन क्लासवर्क नोटबुक.